हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेकअप लुक होने वाला है एक रिक्वेस्टेड मेकअप लुक, जो मेरी एक सब्सक्राइबर है सिखावी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप डस्की स्किन के ऊपर आप एक मेकअप लुक बनाएं। तो आज मैंने अपनी स्किन से दो टोन नीचे जाके आज का ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कैसे आप डस्की स्किन पर बहुत ही खूबसूरत फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हैं और किस तरीके से ये मैंने मेकअप क्रिएट किया है। उसके लिए दोस्तों पूरी वीडियो ध्यान से एंड तक देखिएगा, और अगर आज वाली वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं, करते हैं मेकअप शुरू। सबसे पहले मैंने लिया है गुड वाइस का रोज हिप ग्लो टोनर। अपने फेस को हमेशा टोनिंग करें, उसे 5 मिनट सुखाएं। अब मैंने ली है दोस्तों गुड वाइब्स की ही ये वाली कोकोनट क्रीम, जो सर्दी में बहुत अच्छी आपके फेस को बहुत अच्छे से नरिश करती है, हाइड्रेट करती है, और आप अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर को भी इसी तरीके से अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराएं। और जो बची हुई क्रीम थी उसको मैंने हैंड पे भी लगा लिया है। और दोस्तों अब मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर, जो पोरलेस आपके जो भी पोर्स होंगे उनको ये जीरो कर देगा, आपके मेकअप बेस को बहुत ज्यादा देर के लिए सेट कर देगा। बहुत ही अच्छा ये वाला दोस्तों प्राइमर है। अब मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का दोस्तों आईब्रो फिलर, और बहुत ही कमाल का आईब्रो फिलर है। जब भी आप अपनी ब्रोज को फिल करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने आर्च शेप से पीछे की तरफ आप डार्क से यानी कि ब्लैक कलर से और आगे हमेशा ब्राउन कलर से फिल करें, तो बहुत ही नेचुरल लुक आपकी ब्रोज में आएगा। जहां से बाल कम है वहां से फिल करें और हल्की सी शेप देते हुए आप अब देख रहे हैं। मैंने फर्स्ट में लिया है, पहले अपनी ब्रोज के शुरू में लगा रही हूँ लाइट कलर और बीच से लेके एंड तक लगा रही हूँ ब्लैक कलर। यही तरीका है सही से ब्रोज फिल करने का, क्योंकि बिगिनर्स फ्रेंडली ये वाला मेकअप लुक है। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ आपको क्या करना है। उसके बाद एक स्पूली से ब्रश से मैंने आईब्रो को सेट कर दिया है। दोस्तों मैंने लिया है प्रो कंसीलर, HD हाई डेफिनेशन कंसीलर है, और अपने स्किन टोन से एक टोन कंसीलर हमेशा फेयर लेते हैं दो टोन, तो मैंने ये आज थोड़ा डल वाला ही लिया है अपने स्किन टोन से। और इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश से सबसे पहले आप अपनी ब्रोज को इस तरीके से क्लीन करते हैं तो ब्रोज का बहुत ही शार्प और खूबसूरत लुक आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से आप धीरे धीरे करेंगे तो आप सीख भी जाएंगे कि किस तरीके से ब्रोज को फिल करना है। अब दोस्तों मैं लगा रही हूँ अपनी आईज के ऊपर प्रो कंसीलर, वो भी क्रीम कंसीलर, और उसको भी मैंने इस तरीके से ब्रश से सेट कर दिया है क्योंकि सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे। और अब मैंने लिया है दोस्तों कंसीलर सेट करने के बाद अब हम इसे लॉक कर देंगे कंसीलर को, यानी कि कंसीलर को सेट करेंगे। ये सुगर का बनाना पाउडर ये मैंने लिया है और उससे मैंने अपने इस तरीके के कंसीलर को सेट कर लिया है। दोस्तों अब मैंने ली है कलर बोम की ये वाली आई शेडो पैलेट है, उसमें से मैंने लिया है लाइट, आप इसको बोल सकते हैं मस्टर्ड कलर, क्योंकि मैंने मस्टर्ड कलर का ही आई नेक भी किया है तो उसको इस तरीके से थोड़ा मस्टर्ड ऑरेंजिस है। तो सबसे पहले आप जब भी आई मेकअप शुरू करें कोई भी लाइट कलर ट्रांजिशन शेड ले सकते हैं, पीच, ब्राउन, लाइट येलो, जो भी आपके कपड़ों पे सूट करे। इस तरीके से एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से पहले मैंने ट्रांजिशन शेड सेट कर लिया है अपने ऊपर। और अब इसमें से ही दोस्तों मैंने लिया है थोड़ा सा ब्लैक कलर सेम आई शेडो पैलेट में से, और अपने आउटर वी पे इस तरीके से धीरे धीरे मैं ये कलर लगा रही हूँ, जिससे थोड़ी सी अगर आपकी स्मॉल या हुडी आईज भी है तो उनको ये बहुत ही अच्छा लुक दे देता है अगर इस तरीके से आप आई मेकअप करते हैं। अब मैंने लिया है इस तरीके का ये ऑरेंज थोड़ा सिमरी वाला ये आई शेडो है, उसको मैंने फिंगर की हेल्प से इस तरीके से लगा दिया है। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 से 3 कलर में फटाफट किस तरीके से आप खूबसूरत आई मेकअप कर सकते हैं बिगनर फ्रेंडली, ये आज का आई मेकअप होने वाला है। अब मैंने लिया है शुगर का दोस्तों ये वाला आईलाइनर, बहुत ही अच्छा ग्लोस बोस 24 हार्स आईलाइनर 01 ब्लैक ये इसका नाम है, और
काफ़ी अच्छा लाइनर है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से इजीली आप जिस तरीके का लाइनर आप लगाना चाहती हैं, या तो आप जैसे जिस तरीके से मैंने हल्का सा विंग बनाते हुए ये लाइनर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है फटाफट। अब दोस्तों मैं अपनी ब्रोज को कर रही हूँ इस तरीके से हाईलाइट। अब मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का दोस्तों ये वाला, बहुत ही अच्छा, बहुत समय से मैं इसको यूज कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का मस्कारा और प्रोफेशनल मस्कारा है और काफ़ी टाइम से ये बहुत अच्छे से आपकी लेसेस को, रियल लेसेस को कर्ल कर देता है। अब मैंने लगा ली है फॉल्स लेसेस, और फॉल्स लेसेस दोस्तों आप चाहें अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके फेस पे कोई भी डार्क सर्कल है, ब्लेमिश है, कालापन है, तो उसको आप आई अंडर आई है, जैसे मेरे फेस पे एक्ने स्कार्स आ रहे हैं, उन्हें आप फेड डाउन करने के लिए इस तरीके का दोस्तों ये एक डार्क कंसीलर ये हमेशा आपके पास होना चाहिए। अगर आपके फेस पर थोड़ी बहुत स्किन प्रॉब्लम है, जैसे इस तरीके से मैं कर रही हूँ, बिगिनर फ्रेंडली मेकअप है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ जहाँ भी थोड़े बहुत स्कार्स या आपको ब्लेमिश दिखाई दे। इस तरीके से आप ये वाला सेम कंसीलर है, प्रो कंसीलर, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन है, ये बहुत अच्छी चीज है अपने फेस के दाग धब्बों को छिपाने के लिए। दोस्तों मैं अपने फेस पे फाउंडेशन लगा चुकी हूँ, फाउंडेशन मैंने लगाया है दोस्तों 24 हार सुपर स्टे फाउंडेशन, वो वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई थी। अपनी स्किन से दो टोन डार्क मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया है, सुपर स्टे 24 हार्स फुल कवरेज फाउंडेशन, और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको सेट कर दिया है, क्योंकि जो मेरा स्किन टोन है उससे दो स्किन टोन मैं आज अपने फेस को थोड़ा डार्क रखने वाली हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि डस्की स्किन पर भी आप किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत मेकअप कर सकते हैं। तो ये हो गया है फेस पे, आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अपने ईयर्स पे, नोज पे, जो भी थोड़ा बहुत बच जाए उस एरियाज को आप प्लीज अवॉइड मत करिए, उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है फेस पर। और दोस्तों अब मैंने अगेन लिया है प्रो कंसीलर, और बस अपना जो फाउंडेशन मैंने लगाया था उससे हल्का सा सिर्फ एक टोन ये वाला लाइट कलर का लिया है, क्योंकि जो भी आपके हाईलाइट पॉइंट होते हैं ये आईज के नीचे, नोज पर, आपके फोरहेड पे, जो लाइन के ऊपर, तो इनको आप जरूर इस तरीके से हाईलाइट करें। आप डस्की स्किन टोन हो या कोई भी स्किन टोन हो तो ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। और डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसे भी सेट कर लिया है, और अब मैंने लगा लिया है काजल, और सेम ब्राउन कलर जो मैंने अपनी आईज पे लगाया था उसे मैं ब्रश की हेल्प से इस तरीके से लगा रही हूँ, अपनी आंखों को स्मोक आउट कर रही हूँ। और काजल मैंने अपनी लोअर वाटरलाइन, अपर वाटरलाइन दोनों पे लगाया है NY बे का, और इस तरीके से आप ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। अब मैं अपने इनर वी को कर रही हूँ इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प हाईलाइट, और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा है। सुगर का बनाना पाउडर अब अपने पूरे बेस को सेट करने के लिए मैंने लगा लिया है। अगर आप कोई अच्छा बनाना पाउडर देख रहे हैं जो लाइट वेट हो, तो काफी अच्छा बनाना पाउडर है दोस्तों ये, और थोड़ी येलो स्टोन पे है तो हर स्किन पे चलेगा। अब मैंने लिया है फेसिस कनाडा का 3-in-1 ये वाला पैलेट, छोटा पैलेट, इसके अंदर आपको ब्रोंजर, हाइलाइटर और ब्लशर तीनों ही मिलेंगे। इसमें से मैंने ब्रोंजर लिया है अपने फेस को इस तरीके से कंटूर करने के लिए। ब्रश कंटूर ही दोस्तों मैं करती हूँ, काफी लाइट भी होती है, बहुत ज्यादा डार्क कंटूर मैं नहीं करती, लेकिन फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई के बाद आप जरूर कंटूर करें अपने फेस को स्ट्रक्चर देने के लिए, क्योंकि फाउंडेशन से हमारा फेस का स्ट्रक्चर ना काफी दब जाता है, हमारे फीचर्स काफी दब जाते हैं। शार्प लुक देने के लिए कॉन्टोर इस तरीके से जरूरी है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, एक ब्रश की हेल्प से अपर स्ट्रोक में, फोरहेड पे, नोज पे और जो लाइन के नीचे, ये कुछ एरियाज हैं बहुत जिनको आप इस तरीके से कॉन्टोर करेंगे तो इससे आपके फेस को बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है। ये एक मीडियम ब्रश की हेल्प से मैंने नोज को भी कर लिया इस तरीके से कॉन्टोर। और दोस्तों अब इसी में से मैं सेम पैलेट में से लगा रही हूँ मैं ये वाला फेसिस कनाडा का ही ब्लशर, और पिंक कलर का ब्लशर, बहुत ही नेचुरल लुक है आपके फेस को देगा। इसमें से ही मैं करूंगी हाइलाइटर यूज, काफी अच्छी पैलेट है फेसिस कनाडा की, पिछले 1.5-2 साल से मैंने इसको बहुत यूज किया है, और ब्रांड भी अच्छा है। आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप 100% इसको ले सकते हैं। और अब मैंने अच्छे से कर लिया है इसको सेट।
और अब मैंने दोस्तों लगा लिया है इसमें से थोड़ा सा हाइलाइटर जो इसी पैलेट में था, और उसको स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड और कितनी अच्छी इससे शाइन आती है, नेचुरल शाइन आती है, बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल इसके अंदर नहीं है। जो नेचुरल शाइन हमारे फेस पे चाहिए वो हमें मिल जाती है। इसी तरीके से फोरहेड पे और नोज पे और चीक्स पे आप इसी तरीके से हाईलाइट लगाएंगे। अब मैंने ली है ब्राउन कलर की दोस्तों, ये है लिप लाइनर, और लिप लाइनर ली है मैंने स्विस ब्यूटी की लिप लाइनर है, और काफी अच्छी लिप लाइनर है अपने लिप्स को इस तरीके से शेप देने के लिए। और अब मैं करूंगी अपने पूरे मेकअप को फिक्स। मेकअप को लॉन्ग स्टे बनाने के लिए आप हमेशा कोई भी मेकअप फिक्सर यूज करें। मैंने किया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, अफोर्डेबल एंड काफी टाइम तक आप मेकअप लॉन्ग लास्टिंग करता है। सबसे खूबसूरत दोस्तों इनसाइड कॉस्मेटिक की ये वाली लिपस्टिक मुझे लगी है। अगर आप इस डस्की स्किन टोन के हैं तो ये ब्राउन कलर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लिपस्टिक के बाद इसे मेरे लुक को कंप्लीट कर दिया है। कानों में बस मैंने इस तरीके के स्टड पहने हैं, एक हाई पोनी बना ली है। तो ये है आज का मेरे लिए भी एक चैलेंज था, मेरी स्किन से अलग एक इस तरीके का एक मेकअप लुक, जो आपकी स्किन टोन नहीं है उस पर भी आपका मेकअप करना। एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैंने वाला किया, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस लुक को भी क्रिएट करने में। लेकिन अगर आपको आज वाला मेकअप लुक पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक उससे ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ मुझे कमेंट करके और बताइएगा आपको किस तरीके का मेकअप लुक देखना है या आपको किस तरीके और हॉल देखने हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो ऑन मी इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आईडी है ग्रूम विद अंजू।